सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय संध्या चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या डॉट कॉम में। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ा, कई जगह इसको कढ़ी बड़ी भी बोलते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए। बेसन मैंने 2 जगह लिया है, आप देख सकते हैं। ये पकौड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम और ये कढ़ी बनाने के लिए लिया है 250 ग्राम। बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं। दही लिया है मैंने 250 ग्राम, एक बड़े साइज का प्याज का पेस्ट बना लिया है मैंने, लहसुन लिया है 1 बड़ा चम्मच लहसुन पेस्ट, मिर्च पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 2 पिंच हींग लिया है, 1/2 छोटा चम्मच जीरा लिया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, धनिया पाउडर लिया है 2 टीस्पून, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 बड़े साइज का टमाटर मैंने पीस लिया है, 2 तेज़पत्ता लिया है और 3 सूखे लाल मिर्च लिए हैं। ये सारी चीज़ें लहसुन हो गए, हल्दी, मिर्च पाउडर, ये कढ़ी में भी यूज़ करूँगी और पकोड़े के लिए भी यूज़ होगा। और ये बेकिंग पाउडर लिया है 2 पिंच और ऑयल यूज़ करेंगे पकोड़ा फ्राई के लिए और कढ़ी बनाने के लिए। पहले पकोड़ा बनाने के लिए बैटर तैयार कर लेंगे। बेसन मैंने पहले से छान के रखा हुआ है। बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल लेंगे, हल्दी डाल लेंगे थोड़ा सा, लहसुन पेस्ट 1/2, नमक डाल लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। अब इसमें पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये बहुत पतला हो जाएगा और पकौड़ा हमारा सही से नहीं बन पाएगा। इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बेसन का बैटर बिल्कुल हल्का हो जाए, फ्लफी हो जाए, जिससे हमारा जो पकौड़ा है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। पकौड़ा का बैटर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक बैटर एक बार चेक कर लेते हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका है, एक बाउल में पानी ले लेंगे, थोड़ा सा इसमें बैटर रखेंगे ऐसे। आप देख सकते हैं बैटर रखते ही पानी में तैरने लग गया है, इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छे से फ्लफी हो चुका है बैटर पकौड़े फ्राई करने के लिए। अब एक बर्तन ले लेंगे जिसमें भी हमें कढ़ी रखना है, दही रख लेंगे, एक बाउल पानी रख लेंगे इसमें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है बिल्कुल। इसको ढक के एक साइड रख लेंगे, गैस ऑन कर लेंगे, कढ़ाई रखेंगे गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो चुका है, ऑयल रख लेंगे, ऑयल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, हाथ को पानी से हल्का सा गीला कर लेंगे और बैटर से छोटे छोटे पोर्शन में पकौड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। आराम से रखेंगे ऑयल में, एक बार में जितना आसानी से फ्राई हो पाएगा। पकौड़ों को एक बार उलट पलट कर लेंगे। पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसको ऑयल से बाहर कर लेंगे और ये जो हमने दही घोल के रखा है उसमें डालते जाएंगे। ऐसे ही करते हुए बाकी पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे।
सारे पकौड़े फ्राई करके दही वाले घोल में मैंने डाल लिया है। इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और करी बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल इसमें बचा लेंगे। गैस को मैंने स्लो कर रखा है। अभी तेज़पत्ता डाल लेंगे, मिर्च डाल लेंगे तोड़ते हुए, थोड़ा सा पकने देंगे इसको। जीरा डाल लेंगे, थोड़ा सा पकने देंगे। हींग भी डाल लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे। अब लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे, थोड़ी देर इसको भून लेंगे। लहसुन अच्छे से भून चुका है। प्याज का पेस्ट डाल लेंगे, प्याज के पेस्ट को ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। प्याज का पेस्ट अच्छे से भून चुका है, ट्रांसपेरेंट दिखने लग गया है। धनिया पाउडर डाल लेंगे, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्का सा भून लेंगे इसको। मसाला अच्छे से भून चुका है, अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। पिसा हुआ टमाटर डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डाल लेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, ऑयल छोड़ने लग गया है मसाला। बेसन का घोल रखेंगे धीरे धीरे और लगातार चलाते रहेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको रख लेंगे। इसको लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाना है हमें। ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब ये जो पकौड़ा और दही वाला पानी है ये भी डाल लेंगे बिल्कुल आराम से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। कढ़ी काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। गैस को ऑफ कर लेंगे और दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको। हमारी इंडियन स्टाइल की कढ़ी और पकौड़ा बनकर बिल्कुल रेडी है। काफ़ी टेस्टी बना है। मैंने गाढ़ी बनाई है, आप अपने पसंद के अनुसार इसे पतला बना सकते हैं। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। और आपको यह हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।